हेलो एवरीवन, जैसा कि हमें पता है कि आज हम एक ग्लोबल प्रॉब्लम कोरोना वायरस का सामना कर रहे हैं और सभी अपने घरों में लॉकडाउन है और हमें भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो ये डिसीजन लिया है 21 डेज का लॉकडाउन का, इसको सही तरीके से फॉलो करना चाहिए जिससे कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिस फोर्स है, ये सब जो इससे लड़ रहे हैं, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आपका स्टडीज से जो कनेक्शन है वो बना रहे, इसलिए हम टीचर्स ट्राई कर रहे हैं कि आप घर पे भी अपनी स्टडीज में इन्वॉल्व रहें। सो आज आपके लिए मैं रोमन नंबर्स के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो आज हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर 1 से लेके 100 तक की रोमन काउंटिंग। सो आई होप कि आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे और 1 से लेके 100 तक की रोमन काउंटिंग को देखेंगे। ओके, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल जिससे कि आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, क्योंकि इसके अंदर मैं मैथ्स से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ और इसके अंदर आप मेरे से लिखी हुई जो पोएम्स हैं वो भी सुन सकते हैं। सो थैंक यू एंड सी द वीडियो। ओके, तो 1 के लिए 1 आई, 2 के लिए 2 आई और 3 के लिए 3 आई। अब 4 के लिए हम 4 आई यूज नहीं करेंगे क्योंकि रोमन नंबर्स में हम कोई भी सिंबल 4 टाइम्स यूज नहीं करते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम्स। तो जैसा कि 5 के लिए V होता है, तो V से पहले अगर हम एक आई लगा देंगे तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगा और वो हो जाएगा 4। तो 4 के लिए हमारे पास हो गया 1 यानी कि IV, ठीक है। और फिर 5 के लिए V, फिर 6 के लिए V के बाद में 1 यानी कि आई लगा देंगे तो 6, और 7 के लिए V के बाद में 2 आई, 8 के लिए V के बाद में 3 आई। अब 9 के लिए हम V के बाद में 4 आई नहीं लगा सकते, तो 10 के लिए जो X होता है, X से पहले हम 1 आई लगा देंगे, वो हो जाएगा हमारा 9, 10 के लिए X। अब 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग आपके पास आ गई है, तो हम क्या करेंगे, 10 यानी कि जो X है उसके आगे फिर से वही काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे जो 1 से 10 हमने करी थी। तो X के बाद में 1 लगाने से 11, एक्स के बाद में 2 आई लगाने से 12, एक्स के बाद में 3 आई लगाने से 13, एक्स के बाद में 1 और वी यानी कि आई और वी लगाने से आ गया हमारे पास 14, एक्स के बाद में वी लगाने से हमारे पास आ गया 15, एक्स के बाद में वी एंड आई लगाने से हमारे पास आ गया 16, एक्स के बाद में वी एंड 2 टाइम्स I लगाने से हमारे पास आ गया 17, एक्स के बाद में वी और IIII लगाने से हमारे पास आ गया 18, एक्स के बाद में जो हमारा 9 का सिंबल था 1 और एक्स वो लगाने से हमारे पास आ गया 19, और एक्स के बाद दोबारा से एक्स यानी कि 10 लगाने से 10 + 10 हो गए 20। अब 20 के बाद फिर से वही 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग रिपीट करेंगे तो 21 से लेके 30 तक हमारे पास काउंटिंग आ जाएगी। ओके, और 30 यानी कि XXX के बाद फिर से हम अपनी 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग लगाएंगे तो 1 से लेके 9 तक की काउंटिंग यानी कि XXX यानी कि IX लगाएंगे तो 39 तक की काउंटिंग हो जाएगी। लेकिन 40 के लिए हम XXX के आगे एक और X नहीं लगाएंगे क्योंकि रोमन नंबर का क्या रूल है कि 4 टाइम्स कोई भी सिंबल आपको यूज नहीं करना है। तो 50 के लिए जो सिंबल होता है वो होता है L, कैपिटल L। तो 50 में से अगर हम 10 माइनस कर दें यानी कि L के पहले हम X लगा दें तो आपका बन जाएगा 40 यानी कि XL। अब XL के आगे 1 यानी कि 1 आई लगा देंगे तो वो हो जाएगा 41, XL के आगे 2 आई लगा देंगे तो 42, और XL के आगे 3 आई लगा देंगे तो 43, XL के आगे 1 यानी कि I और V लगा देंगे तो 44, XL के आगे V लगा देंगे तो 45, XL के आगे VI लगा देंगे यानी कि 6 लगा देंगे 40 के आगे तो 46,
एक्स एल के आगे वी आई आई लगा देंगे तो 47, एक्स एल के आगे वी ट्रिपल आई लगा देंगे तो वो बन जाएगा 48, एक्स एल के आगे आई और एक्स यानी कि 9 लगा देंगे तो वो बन जाएगा 49, और 50 के लिए हमारा एल। नाउ 50 के आगे वही हम 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग लगाएंगे तो आपके पास 51 से लेके 60 तक की काउंटिंग आ जाएगी यानी कि एल एक्स, और एल एक्स के आगे 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग फिर से लगा देंगे तो एल एक्स एक्स 70 तक आप पहुँच जाओगे। फिर एल एक्स एक्स के आगे फिर से 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग लगा देंगे एल ट्रिपल एक्स तक हम आ जाएंगे यानी कि हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी 80 तक। अब एक्स एल एल ट्रिपल एक्स इसके आगे एल ट्रिपल एक्स 1 लगाने से 81, एल ट्रिपल एक्स 2 लगाने से 82, एल ट्रिपल एक्स 3 लगाने से 83, एल ट्रिपल एक्स 4 लगाने से 84, एल ट्रिपल एक्स वी लगाने से 85, एल ट्रिपल एक्स वी आई लगाने से 86, एल ट्रिपल एक्स वी डबल आई लगाने से 87, एल ट्रिपल एक्स वी ट्रिपल 3 लगाने से 83 एंड एल ट्रिपल एक्स 1 यानी कि आई एक्स लगाने से 89। अब 90 के लिए एल के आगे हम 4 टाइम एक्स नहीं लगा सकते हैं क्योंकि रोमन नंबर्स का रूल है। देन 100 का होता है सी, और सी से पहले यानी कि 100 में से अगर हम 10 माइनस कर दें तो वो हो जाएगा 90 और आपके पास आ जाएगा 90xc। और 91 के लिए हमारे पास आ गया है xc यानी कि 90 और उसके आगे i लगा देंगे तो 91। xc इसके आगे अगर हम डबल i लगा देंगे तो वो हो गया 92। xc यानी कि 90 और इसके आगे ट्रिपल i लगाने से बन गया 93। xc यानी कि 90 उसके आगे 1v लगाने यानी iv लगाने से हमारे पास आ गया है 94। xc यानी कि 90 उसके आगे v लगाने से 95। xc उसके आगे vi लगाने से 96। xc इसके आगे v डबल i लगाने से आ गया 97। और xc इसके आगे v और ट्रिपल i लगाने से 98। एंड xc यानी कि 90 और उसके आगे 9 1x लगाने से 99 और लास्ट में c इक्वल टू 100।